हल्द्वानी के एक नीलकंठ अस्पताल में 7 महीने की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची भारी फोर्स ने किसी तरह से आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उजाला नगर की रहने वाली आसफा 7 महीने की गर्भवती थी। सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत पर परिजनों ने उसको 14 दिन पहले नीलकंठ अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने 7 दिन अस्पताल में रखने के बाद परिजनों से कहा कि उसकी हालत गंभीर है, वो उसे कहीं और अस्पताल में ले जाए, जिसके बाद अन्य अस्पतालों में जगह न मिलने के बाद डॉक्टर से इलाज करने की गुहार लगाई, लेकिन 14 दिन बाद आज उसकी मौत हो गई। गर्भवती के मौत के बाद आक्रोशित परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। सूचना के बाद एसएसपी एसपीसीटी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से परिजनों को समझा बुझाकर वापस घर भेजा। नीलकंठ हॉस्पिटल में भी आज दोपहर में ये सूचना आई है कि किसी महिला की मृत्यु हुई है, जिस पर उनके परिजनों के द्वारा जो है हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई है। उस पर यहाँ पे जो हमारी जो फोर्स लगी हुई थी उसने तत्काल रिस्पॉन्ड किया है, उन लोगों को रोका भी है और उसके बाद में उन्होंने तत्काल चौकी इंचार्ज को यहाँ पर बुलाया, बाकी फोर्स यहाँ पर बुलाया गया है और इसमें भी बॉडी को जो है मॉर्चरी के लिए मूव कर दिया गया और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रेगनेंसी और बायलैटरल निमोनिया दोनों ही चीज़ें, अगर साथ में प्रेगनेंसी के साथ बायलैटरल निमोनिया होता है तो मरीज को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है, और ख़ासकर कोविड निमोनिया तो और ही ख़तरनाक चीज़ होती है। पेशेंट जब आई थी तो हमारे पास 70% ऑक्सीजन लेवल लेके आई थी, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन लगाने के बाद भी उसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, इसलिए उसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा गया था और उसके घर के सभी लोगों को इंक्लूडिंग हस्बैंड सब कुछ समझाया गया था कि इस पेशेंट के बचने का चांस बहुत कम है। और साथ में बाद में पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जा रही थी और ये चीज़ कल हमने बिल्कुल क्लियरली बता दी थी कि इस पेशेंट के बचने का चांस नहीं है, और हमने 10 दिन पहले से ही हम उनको कह रहे थे कि अगर आपको कुछ भी है तो आप अपने मरीज को कहीं बाहर भी अन्यत्र ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, सारी ऑप्शंस उनको दे रखी थी और उसके बावजूद भी मुझे नहीं मालूम किन लोगों ने ये तोड़फोड़ और दंगा भड़काया है, बट उनके हस्बैंड ने उस चीज़ के लिए मुझसे आके माफ़ी मांगी है और मेरे को कहा है कि आपने पहले दिन से हमें सब कुछ समझा रखा था, इस बात के लिए मैं सहमत हूँ।